काज ले रहे हैं ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब। देख लो इसका रिफ्रैक्शन ही हम लोग देखेंगे लाइट का, इतना तो टर्म समझ रहे हो सर, लेकिन किससे? थ्रॉज, ग्लास स्लैब, ठीक है। एक स्लैब मतलब होता है गुटका, तो हम लोग कह सकते हैं एक भाग, एक टुकड़ा हम लोगों को ग्लास स्लैब या रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब भी हम लोग लिख सकते हैं, आयताकार ग्लास स्लैब एक ले रहे हैं। तो ध्यान से देखें, अब यहाँ पर हम लोग रिफ्रैक्शन को पढ़ रहे हैं ग्लास स्लैब से, तो हम लोग एक ग्लास स्लैब ले रहे हैं यहाँ पर, ग्लास स्लैब। देखो यह रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, एक ग्लास स्लैब, और यह ग्लास स्लैब है मतलब कांच का, यहाँ पर माध्यम क्या हो गया, कांच हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज दैट हम रिफ्रैक्शन ले रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन के लिए प्रकाश इंसिडेंट होगा, पहले एक सतह पर होगा, ध्यान से देखो, एक सतह पर प्रकाश इंसिडेंट हुआ। अब इंसिडेंट हुआ जिस पॉइंट पर, यहाँ पर हम लोग क्या करें, एक यहाँ हम लोग नॉर्मल खींचे। अब नॉर्मल खींचेंगे तो प्रकाश का जो मूल पथ है वो मूल पथ तो होना चाहिए ये, ठीक है, इस तरह से मूल पथ होनी चाहिए, लेकिन वह ऊपर वाला माध्यम हम लोग को एयर है, ये तुम्हारा ग्लास हो गया, और फिर इधर बाहर जो है फिर एयर हो गया, याद हो। तो अब प्रकाश क्या क्या एयर में इंटर किया, हम लोग देख रहे हैं इंसिडेंट हुआ और उसके बाद इंटर किया किस में, ग्लास में, तो इट मीन्स अभी एयर टू ग्लास का मतलब क्या हो गया, रेरर टू डेंसर। तो रेरर टू डेंसर में क्या होती है, वह अभिलंब के तरफ झुक जाती है, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, अभिलंब के तरफ झुक गया इस तरह से, और ये हम लोगों को जो अभिलंब है यहाँ पर जो नॉर्मल हम लोग लिखे हैं ये है ही, ये एंगल और ये एंगल भी रहेगा अभिलंब के। अब देखो जब यह झुक गया यहाँ पर रे, तो अब ये रे क्या होगा, फिर इस सतह पर इंसिडेंट हुआ, और यहाँ पर जब इंसिडेंट हुआ तो यहाँ एक और नॉर्मल हम लोग खींचते हैं ये, अब फिर क्या हुआ, ऊपर यह प्रकाश की किरण कहाँ से, ग्लास से कहाँ बाहर निकलेगा, तो अगर हम लोग इस सतह की बात करें तो इस सतह में प्रकाश इंटर किया ग्लास से और बाहर निकलेगा किस में, एयर में, तो अभी डेंसर से किस में आ रही है, रेरर में, तो डेंसर से रेरर में आएगी, तो मूल पथ तो इसका ये हो गया, या फिर क्या होगा, या अपने पथ से विचलित हो जाएगी इस तरह से, बातें समझ रहे साहब। देखो अब ध्यान दो क्या किए, किस तरह से रिफ्रैक्शन किए, पहले प्रकाश एयर से ग्लास में गया तो वह क्या हुआ, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, अभिलंब की तरफ झुक गया, फिर उसके बाद ग्लास से एयर में आया तो फिर सघन से विरल में आया, अभिलंब से दूर हट गया, बस रे डायग्राम से इसको दिखा दिए। अब बातें रही कि इसको हम लोग लेते हैं, यह हो गया तुम्हारा आई इंसिडेंट एंगल, जो ध्यान दोगे उसको आसानी से दिख जाएगा। अब उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पर टर्म है, तो ये हम लोगों को क्या हो गया, आर, यहाँ पर हम लोग इसको दिखा सकते हैं आर। अब बात रही फिर यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, फिर इंसिडेंट हुआ तो हम लोग इस एंगल को यहाँ पर ले लेते हैं कितना, आप देखो ये आर है तो ये तो एक त्रियक छेदी रेखा और ये दोनों समानांतर, इट मीन्स ये आर है तो ये भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं तो इसको हम लोग ले लेते हैं आई डैश, ठीक है। अब बातें तुम यहाँ का भी कर सकते हैं, यह जो हम लोग लाइन लिए हैं यहाँ पर देख लो, ये जो लाइन लिए तो ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ हम लिख रहे हैं ये आई है तो ये पूरा का पूरा तो आई हो जाएगा, लेकिन उसमें से ये आर वाला घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आई माइनस आर हो जाएगा, देख रहे हो साहब। अब चलो अब बात यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ाए और हम लोग स्नेल्स लॉ को यूज करें, तो पहले बातें कुछ नहीं, ज़्यादा बढ़ाना नहीं ना तो चित्र भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और तुमको दिखे कुछ नहीं, हम एक ही बात कहें कि तुमको कंसंट्रेट होना है जिस बात पर, जिस टॉपिक पर, बस वही चीज़ तुमको दिमाग में चलना चाहिए और बातें को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे, पहले फर्स्ट फेज में देख लो, फर्स्ट हम लोग को क्या हुआ, हम लोग को रे ऑफ लाइट एयर टू क्या हो गया, ग्लास, पहले या एयर टू ग्लास में जा रही, पहले सरफेस में एयर टू ग्लास जा रही है, तो एयर टू ग्लास जा रही है तो इसके लिए स्नेल्स लॉ फिट करेंगे, बताओ प्रिया जी, पहला फेज में एयर टू ग्लास आ रही है इसके लिए स्नेल्स लॉ फिट करो, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन जी, देख लो, वेरी गुड, साइन आई बटे साइन आर, ये तो आई और आर है ही, और प्रकाश की किरण कहाँ, किससे जा रहे, एयर से किस में जा रहे, ग्लास, तो ए एन क्या हो गया, ए एन एकदम, वेरी गुड, बैठ जाओ, गेयर टू ग्लास के लिए फिट कर लिए हम लोग। अब देखो मान लो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे यहाँ कुछ टर्म्स हम लोग ले ले रहे हैं, इसका नाम हम लोग दे दे रहे हैं,
यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट को जहाँ इंसिडेंट क्या इसको ओ दे रहे हैं, ध्यान दो नाम लिखने में आसानी होगी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ईस्ट इस जो हम लोग को नॉर्मल इसको यहाँ तक बढ़ा देते हैं, और उसके बाद ये वाला टर्म जो हम लोगों को है फिर वो है इसको हम लोग मान लेते हैं, फिर Q इसको हम लोग मान लेते हैं N, और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं M, ठीक है। ये वाला टर्म सब जो हम लोग को नाम था उस नाम को दे दी। अब बात रही एक चीज़ और ध्यान से देखो, अभी मान लो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे अगर इसी आई डाइस एंगल पर सपोज दैट हम लोग यहीं से किरण अगर इंसिडेंट कराते हैं, सपोज दैट हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये N है और इसको हम लोग Q डैश मान लेते हैं, तो Q डैश N को इंसिडेंट रे मानने पर और किस एंगल एट एंगल हो गया, एट इंसिडेंट एंगल तुम ले रहे हो, एंगल कौन सा हो गया आई डैश, इस पर इसी पर हम लोग इंसिडेंट कराते हैं। मान लो इसी इसको हम लोग अभी इंसिडेंट रे मान लिए, तो इंसिडेंट मान लिए तो अभी तो यह इस एंगल पर इंसिडेंट करेगा और यहीं से फिर हम लोग को इमर्जेंट निर्गत होगा जो अभी हम लोग रिवर्जिबिलिटी में देखें, तो हम लोग कह सकते हैं प्रकाश के उत्क्रमणीयता से अभी जो हम लोग रिवर्जिबिलिटी लिखे उस रिवर्जिबिलिटी से यहाँ फिर हम लोग लगाएंगे इसको, तो हम लोग लगाएंगे फिर स्नेल्स लॉ। नेक्स्ट अब लगाओ स्नेल्स लॉ अंडर दिस कंडीशन, साइन आई बटे साइन आर, हम एकदम कह दिए कि इसको अभी इंसिडेंट रे मान रहे हैं, हम समझ रहे बात को, और तुमको तब लगाना है ये साइन आई डैश बटे साइन आई डैश बटे अपना बोलो, ध्यान से बोलो कॉन्फिडेंस से बोलेगी तो सही हो जाएगी, साइन आई डैश बाय साइन आर डैश हाँ इसमें आर डैश देख लो, ध्यान दो अगर यहाँ इंसिडेंट करेंगे तो ये वाला टर्म ले लेगा, एयर टू ग्लास ना हो गया, तो हम लोग को साइन आई डैश बटे क्या हो जाएगा ओनली साइन आर, और बराबर हम लोग को जी एन ए मतलब जी एन ए हो जाएगा, जी एन ए बैठ जाओ। नेक्स्ट कुछ समझ पकड़ पा रहे हो क्या, ये सही है या तुम कुछ और बोलना चाहते हो, सही है नेक्स्ट फिर सही है नेक्स्ट, नवीन कुमार पीछे तुम कुछ बोलना चाहते हो, कुछ नहीं बोलना चाहते हो, नेक्स्ट बोलते देख लो अगर कोई समझ में आ रहा है कुछ तो बोलो, नेक्स्ट बोलो तुम, ये सही है या तुम कुछ और बोलना चाहती है, सही है नेक्स्ट नेक्स्ट साक्षी क्या हो जाएगा ए एन जी, वेरी गुड, यहाँ पर जी एन ए नहीं ए एन जी हो जाएगा देख लो ध्यान दो, यहाँ पर प्रकाश एयर से ग्लास में गया ना, क्यों इससे कर रहे हो जी ए एन जी ना, एयर से ग्लास में क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर फिर भी तुम लोग मिस्टेक कर जाते हो, ए एन जी हो गया, ये ए एन जी हो गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, हंसी खेल करना आसान है वो तो तुम लोगों का काम ही है समझ रहे बात को, लेकिन जवाब पर ध्यान दो, कंसेप्ट एक ही चीज बार बार गलती हो रहा है, इससे क्लियर हो रहा है कि पूरा ध्यान नहीं लगा पा रहे, बातों को ध्यान से खूब गंभीरता से नहीं सुन पा रहे हो, हम कहते खूब सुनो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि फिर तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, फिर से देख के वहाँ से लिख लेना कोई बात नहीं है, तो ए एन जी अब साइन आई डैश बटे साइन आर बराबर ए एन जी, हम लोग को अब यहाँ पर बातें रही ए एन जी हम लोग करते ए एन जी इंटू, अब हम लोग इसको ए एन जी ये हो गया और ये भी हम लोग को ए एन जी है, तो यहाँ पर तो तुम देख सकते हो ना कि दोनों का एल एच एस तो बराबर एक साइड बराबर है आर एच एस, तो हम लोग कह सकते हैं इसीलिए साइन आई बटे साइन आर बराबर हो गया साइन आई डैश बटे साइन आर, तो ये दोनों तो साइन खत्म ही हो जाएगा, तो बराबर हम लोगों को हो गया यहाँ हम लिख देते हैं साइन आई डैश आई बराबर साइन कितना हो गया आई डैश और आई बराबर कितना हो गया आई डैश, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को जिस एंगल पर यह इंसिडेंट करेगा और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जिस एंगल पर फिर यह इमर्जेंट कर रहा है निकल रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इन सब रिजल्ट का हम लोग आगे यूज़ कर सकते हैं।